भगवान भी ताकि मैं इसका काम कर दे। क्या मिलता है इतना तकलीफ से? मन में शांति और खुशी। बारिश और अपने आप को बचा बचा। हाँ शांति परेशानी के बीच कैसे आप बरसात में बैठे हो? शिवपुराण सुनने के लिए, कष्ट के लिए। तो क्या क्या जी बरसात हो रही है? हम लोग को ना शिव पुराण से बहुत कुछ मिला है। और क्या बोला? छोटे बच्चे नमस्तुभ्यम। लेकिन यहाँ पर इतने तकलीफ में छोटे बच्चा भी लेकर बैठे हो? मन्नत वाला बच्चा है। कैसे मन्नत वाला बच्चा? ट्रैक्टर से यहाँ पर आए। मैडम आप दो छोटे बच्चे लेके बारिश में भीगते हुए आप शिव पुराण सुन रहे हैं, ऐसे क्या कारण? कृपा से यही आया है, महादेव की कृपा से आया है ये। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सुनने में मगन है। शिव कथा सुनने पे मगन है। इतना बारिश में घर क्यों नहीं जा रहे? क्यों बैठ गए? कथा सुनने रहा है, थका हुआ चाहो दीदी। अच्छा कथा सुने बड़ा है। आप लोग एकदम बैठे हुए फॉर्म में ऐसे लग रहा है तपस्या आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं महाराज जी को सुनने के लिए यहाँ पर, देखो छोटे बच्चे भी कैसे छाता लेके, पानी यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, पानी बरसात हो रही है, जहाँ भी देखेंगे बरसात हो रही है। और बरसात से बचने के लिए लोग छाता लिए हुए हैं। आप देख सकते हो उधर चारों तरफ जहाँ तक नजारे जाएंगे लोग जो है इसी तरह से छतरी लगा कर जो है खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जाए किस तरफ जाए। क्या आप छतरी लगा के देखिएगा? छतरी लगा के आप देख रहे हैं बारिश में? हाँ शिव महापुराण ना। क्या मिलता है इतना तकलीफ से? मन में शांति और खुशी। बारिश और अपने आप को बचा बचा। हाँ शांति शांति मिलती है दिमाग में बहुत। हमको लालच नहीं कि कोई हमको फायदा हो, नहीं हो, शांति मिलती। शिव शिव जी के ऊपर बहुत विश्वास है, शिव जी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ बस मन में शांति के लिए आया। बस शांति के लिए इतना चिल्ला रहा था, शांति शांति। नहीं हमारे पापा लोग बचपन से शिव भक्ति देखे हैं ना जी। नहीं यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं, उसके बावजूद भी आप व्यवस्था बना आए हैं। क्या करो, वीवीआईपी पास भी बेकार हो गया हमारा। टाइम से कम आपके पास बैठने की सुविधा तो है। हाँ ये कर दिया, तो वो दिया ना फल वाले ने, केला वाले भैया ने दिया। चलिए बैठा हो, हमको भी छतरी में बैठा दिए। बैठ जाओ, शिव पुराण कथा सुनने की है। इतने परेशानी के बीच कैसे आप बरसात में बैठे हो? शिव पुराण सुनने के लिए, कष्ट के लिए। तो क्या ऐसा कारण कि इतना तकलीफ के बावजूद भी यहाँ पर आप लोग आए हो? कुछ है भगवान भोलेनाथ सब कष्ट दूर करे। क्या मिलता है? क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा, अपना दुख कटेगा, बाल बच्चे दुख कटेगा। अभी आपके दुख मतलब आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है, सब जो हो रहा तो ठीक ही है। अपना दिन रहा जी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। देख सकते हो अटूट विश्वास श्रद्धा लिए यहाँ पर जो लोग हैं पहुँचे हुए हैं। क्या बात करते हैं जी? आप बच्चों को लेके आए हुए यहाँ पर छतरी में खड़े हैं, बरसात हो रही है जी, बरसात हो रही है। हम लोग को ना शिव पुराण से बहुत कुछ मिला है। और क्या बोलते हैं, बेलपत्ती खाई सी यहाँ से मेरे को ना नड़का हुआ है। तो इतना बारिश में आप क्यों खड़े हो बच्चे को लेके? अच्छा लग रहा है यहाँ सुनने, मन्नत पूरा हुआ है इसलिए आए हैं। कहाँ कहाँ गए हो? यही चाहे हैं और रायपुर गए थे। रायपुर जी, अच्छा आपकी जिंदगी में परिवर्तन हुआ है जी। देख सकते हो इनके भी छतरी है, छोटे बच्चे नमस्तुभ्यम। छतरी लेकर यहाँ पर इतने तकलीफ में छोटे बच्चा के लेकर बैठे हो? मन्नत वाला बच्चा है। कैसे मन्नत वाला बच्चा? ट्रैक्टर सेवन में जब शिव पुराण हुआ ना, वहाँ का बेल पत्ती खाने से देरानी का बेटा हुआ 8 साल बाद। 8 साल बाद? हाँ। तो आपको क्या लगता है इसी वजह से? हाँ इसी वजह से हमारी सब मन्नत पूरी होती है। तो भाई छोटे बच्चे है, इन्फेक्शन हो सकता है, बारिश भी सब भोले बाबा निपटा देंगे। इतना विश्वास बारिश हाँ, में? हाँ बहुत विश्वास है। छतरी पे बैठे पर विश्वास की कमी नहीं है। यहाँ एक मैडम मुस्कुराते हुए दिख रही है, ये तो टीचर लग रही है। मैडम आप कहाँ से हो? यहीं से भी। बड़े मुस्कुराते हुए आपके गेटअप से लग रहा है कोई टीचर वगैरह? नहीं 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 जी, बैंक में। अच्छा बैंक में, मतलब वर्किंग वुमेन है। आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि मतलब बताइए मतलब ऐसे लग रहा है बाकी लोग जो है समझ के बैठे हैं, आप कुछ भी नहीं एकदम एकांत में बैठे हैं और मस्त मजा ले रहे हैं। कथा ले ही आई हूँ। तो ऐसा आपको क्या लगा कि सुनना चाहिए? और इतनी बारिश हो रही है, हम लोगों को तो टाइम मिलता नहीं है। फोर्थ सैटरडे है, मैं प्लानिंग बनाई आज और कल सुनना है। आए हैं महाराज को बरसात, बरसात चल रहा है, आपके चेहरे में काफी मुस्कुराहट है। आपका मुस्कुराहट बता रहा है कि बारिश से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होगा, क्या है देखिए रेनकोट
हेलमेट लगा के यहाँ तो लोग गाड़ी चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते, आप तो बारिश में बरसात से बचने के लिए 2-in-1 काम हो रहा है। आप गाड़ी भी बैठे हुए हैं बढ़िया। झमाझम बारिश, शिव पुराण सुनने के लिए लोग जो है बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं छोटे बड़े बच्चे जो भी है सब बैठे हुए, छोटे बच्चे को लेके यहाँ पर बैठे हुए बड़ा। आप क्या देखने आए हो बेटा, क्या देखने आए हो आप, भी क्यों रहो बारिश में? ये बहन जी है आप देख सकते हो, छोटे से बच्चे लिए यहाँ पर आए। मैडम आप दो छोटे बच्चे लेके बारिश में भीगते हुए आप शिवपुराण सुन रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हो? बस इच्छा थी शिवपुराण सुनने की। तो आप बारिश में बैठे हो, छोटे बच्चे, जगह ही नहीं है ना उधर, लेट हो गए आने में। टीवी में भी प्रसारित होता है, टीवी में उतना मजा नहीं आता। तो यहाँ पर कौन सा मजा आ रहा है? आप एकदम बारिश में मन शांत लग रहा है, शांत लग रहा है। बच्चे को कैसे संभाल रहे हो? मेरे बच्चे भी शांत है, बच्चे भी शांत है, रो नहीं रहे। आपके साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ जिसके कारण आप यहाँ पहुँचे हो? क्यों आप इतना कष्ट के साथ आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? बस सब लोग बोलते हैं शिव महापुराण सुनना चाहिए, मन शांत होता है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यही रहते हैं, यही रहते हैं। यार इतने कष्ट लेके आप बच्चे के, बच्चे को लेकर अब भीगने का उतना सोच नहीं रहे, लेकिन सुनना है इसलिए बैठ गए, सुनना है इसलिए बैठ गए, सुनना है इसलिए बैठ गए। क्यों बहन जी आप छोटे बच्चे को लेके शिवपुराण सुनने आए हैं? हाँ शिवपुराण सुनने के लिए आए। ऐसा क्यों भाई, बारिश में हो गया? महादेव की कृपा से, महादेव की कृपा से। तो ये रिस्क क्यों लो भाई छोटे बच्चे को लाने के? महादेव की कृपा से यही आया है, महादेव की कृपा से आया है ये। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ है, महादेव की कृपा से आया है। महादेव की कृपा से तो बारिश है, छोटे बच्चे हैं, कथा सुनना अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए। जब आया था तो बारिश नहीं हो रही थी, अभी होने लगी। ये है हमारी मैडम, जाना है मतलब जाना है, इनको सुनना है मतलब सुनना है। तो बारिश है, छोटा बच्चा है, और जा रहे हैं शिवपुराण में। आपको क्या क्या अच्छा लगता है महाराज जी में, क्या अच्छा लगता है सुनने में? अच्छी लगती है कथा उनकी, सुनते हैं मन को अच्छा लगता है। चलो पकड़ लो, भक्ति है, भक्ति है। आपको क्या लग रहा है? माइक छोड़ दीजिए छोटे सरकार, जय कर राधे राधे कर लो, राधे राधे बोलते हैं क्या? उसका नाम भी रुद्रांश है। अच्छा नाम क्या रखे? रुद्रांश गुप्ता। रुद्रांश, रुद्रांश नाम ही रखे तो बरसात के भी देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके यहाँ पर आए हैं, और इधर देखिए नजारा, जहाँ तक आप देखेंगे पूरे छतरी लिए लिए बैठे हैं। आप ये देख सकते हो कि ऊपर से पानी इनके नीचे से जा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सुनने में मगन है। शिव कथा सुनने पे मगन है, लगे हुए हैं। क्यों एकदम से तपस्या कर रहे हो? शिव जी के लिए आए हैं, शिव पाने के लिए आए हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, इस कारण आए हैं। बारिश हो रहा है, आप बैठे हो पानी में, भोलेनाथ को दिन रात पानी डालते हैं, उसको ठंडा लगता है, हम लोग को भी ठंडा लगेगा। आप भी ठंडा हो रहे हो? तो कहाँ से आए हो? दुर्गाबुल्ला से। कहाँ से? दुर्गाबुल्ला। इतना बारिश में घर क्यों नहीं जा रहे, क्यों बैठ के? कथा सुने दीदी, कथा सुने बड़ा, पानी भी गिरा थे, पानी गिरा था, भगवान अभी खाना जरूरी है का? अच्छा तो मिल जी, मिल जी महाराज, मिल जी महाराज, भगवान, भगवान मिल जी। सात साल से मोर लड़की इतना बच्चा नहीं हो रही से, भोलेनाथ की कृपा हुई तो अभी वो गर्भ से है। अच्छा 16 ml की पथरी अपने आप निकल के फेंका दे, रुद्राक्ष पानी पिए से तो कल क्या करे? सीहोर से रुद्राक्ष लाए, ओला गला के पिला, तो 21-22 दिन में वो निकल के फेंका, बिना इलाज के, बिना इलाज के। डॉक्टर तो हैरान हो गए सही से? नहीं डॉक्टर से वो चेकअप करा है, सोनोग्राफी कराए तो बताई से नहीं है आपकी के? नहीं नहीं निकल के हाथ में आ गए ना। अच्छा वो है मतलब पथरी हाथ में निकल, हाँ अपने आप निकल गए, अपने आप निकल गए, देखा जाए वो विश्वास बढ़ गए। हाँ विश्वास, अब कहानी पहन जीवन पहन पूरा खत्म हो चुके रहे थे, बचे हैं कैसे टाइप में? पूरा स्वास्थ्य हमारा पूरा खराब हो गया। कैसे खराब हो गया से? मतलब पूरा शरीर शिथिल हो गया, मतलब कुछ भी काम नहीं करते, मतलब 2 साल तक धरती में पड़े रहे। एक साल तक? 2 साल तक। हाँ फिर क्या करे, उसका उपाय करे? फिर भोलेनाथ के पानी पिए, जल पिए,
वो खाए रुद्राक्षर पानी पिए, हाँ। बेल पत्ती खाए तो शरीर बिना दवाई के अपना ठीक हो गया। विश्वास में सब कुछ है, विश्वास में सब कुछ है। चलो है, आप लोग एकदम बैठे हुए फॉर्म में, कैसे लग रहा है तपस्या आप लोग कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ बैठे हैं तो बारिश कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्यों ऐसा लगा कि ऐसे भी बैठना चाहिए? नहीं, हम लोग घर से ऐसे ही आए कि हम लोग को यहीं जाके ऐसे ही बैठ के कथा सुनना है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो। मंडाल में तो जगह मिलेगी नहीं, यहाँ पर मिलेगी, वहाँ बैठ के कथा सुनेंगे हम। तो कथा तो टीवी से भी देख सकते हैं, यहीं पर इस जगह का महत्व है ना, इस जगह का महत्व है ना, इस जगह का महत्व। यहाँ भगवान स्थापित हैं, प्राण प्रतिष्ठित है भगवान यहाँ पर, और महाराज जी हैं। तो आप रोज सुनते हो वैसे? हाँ, रोज आ रहे हो? हाँ, बारिश में रोज दिख रहे हो। आपका क्या कुछ कहना है? आप देख सकते हैं लोगों का जो आस्था है किस तरह बढ़ा हुआ है, बारिश से लोग जो हैं पीछे नहीं हट रहे हैं, जो अपने जो कथावाचक है प्रदीप मिश्रा जी उनको सुनने के लिए लोग बारिश में बैठे हुए हैं। चारों तरफ नज़ारे बारिश का है, लोग छतरी लेके बैठे हुए हैं, किसी को बैठने का भी स्थान नहीं है, उसके बावजूद जो बहती हुई पानी जो कीचड़ है कीचड़ पे भी लोग बैठे हैं और चेहरे में बहुत मुस्कुराहट है। कई लोग का ये मानना है, कई लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो आस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे हैं और उनको भी अटूट विश्वास है भोलेनाथ के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पानी से बचने के लिए उपाय तो कर रहे हैं लेकिन हटने को कोई यहाँ पर तैयार नहीं है। ऐसे ही अगले अपडेट के लिए बने रहिए बीएलसी न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।